आज मैं आपसे बात करूंगी ऐश्वर्या राय के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन भारतीय फिल्म अभिनेत्री और 1994 के मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। उनका बॉलीवुड में करियर शानदार रहा है और वे भारत की पॉपुलर और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज में से एक मानी जाती हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, उन्हें 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें भारत सरकार की ओर से 2009 में पद्मश्री और 2012 में फ्रांस सरकार की ओर से ऑड्री डेस आर्ट्स एट डेस लेक्ट्रेस से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती हैं। कॉलेज के ही दौरान ऐश्वर्या राय ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट में काम किया था। इसके बाद वे कई टीवी विज्ञापनों में भी दिखाई दी। बाद में उन्होंने मिस इंडिया की प्रतियोगिता में भी भाग लिया जिसमें वे दूसरे स्थान पर रहीं। 1994 में उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में के ऑफर आने लगे। अभिनय की शुरुआत उन्होंने पहली अपनी फिल्म तमिल फिल्म इरुवर से की। उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया थी। उनकी पहली कमर्शियल सफल फिल्म जींस रही। इसके बाद उन्हें बड़े पैमाने पर तब सफलता मिली जब संजय लीला भंसाली ने उन्हें हम दिल दे चुके सनम और देवदास में पारू के रोल के लिए कास्ट किया। उनकी फिल्म धूम 2 और जोधा अकबर ने देश विदेश में काफी अच्छा कारोबार किया। इन फिल्मों में उनकी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ी को सभी लोगों ने खूब पसंद किया। ऐश्वर्या राय का जन्म मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता कृष्णराज समुद्री जीव विज्ञानी थे। उनकी माँ का नाम वृंदा है जो कि गृहिणी है। उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम आदित्य रॉय है और वे नेवी मर्चेंट में इंजीनियर हैं। वे ऐश्वर्या की फिल्म दिल का रिश्ता के सह निर्माता भी थे। उनका परिवार बाद में मुंबई आ गया था जहाँ ऐश्वर्या ने आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज से की और उसके बाद डीजी रूपारेल कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। बचपन में उन्होंने 5 साल तक क्लासिकल डांस और संगीत की ट्रेनिंग ली। ऐश्वर्या राय ने 2007 में अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी की जिनसे उन्हें एक बच्ची है आराध्या। यह शादी भारत के हाई प्रोफाइल शादियों में से एक रही जिनमें केवल गिने चुने लोगों को ही न्यौता दिया गया। शादी को बकायदा रीति रिवाज के साथ सम्पन्न कराया गया। ऐश्वर्या राय ने अपने अभिनय की शुरुआत तमिल फिल्म से की थी। तमिल में निपुण न होने की वजह से उनकी आवाज को किसी और ने डब किया था। फिल्म सफल रही थी। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म और प्यार हो गया थी। फिल्म कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाई। 1999 में रिलीज हुई हम दिल दे चुके सनम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। यह फिल्म काफी सफल रही और ऐश्वर्या के काम को भी सराहा गया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद आई फिल्म ताल में भी उनके परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया। हम दिल दे चुके सनम के बाद एक बार फिर ऐश्वर्या राय ने संजय लीला भंसाली के साथ देवदास में काम किया। फिल्म 2002 में कांस फिल्म समारोह में भी दिखाई गई और टाइम मैगजीन ने इसे मिलेनियम की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बताया। भारत में इस फिल्म को 10 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले जिसमें से ऐश्वर्या को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। इसके बाद आई फिल्म दिल का रिश्ता और कुछ ना कहो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली का एक गाना कजरारे कजरारे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके बाद आई उमराव जान कुछ खास कमाल तो नहीं कर सकी लेकिन ऐश्वर्या का काम को सराहाया गया। उसी साल उनकी धूम 2 भी रिलीज हुई जिससे सभी लोगों ने खूब पसंद किया और ऋतिक और ऐश्वर्या की जोड़ी ने पर्दे पर मानो आग ही लगा दी। फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2007 में हुई रिलीज हुई गुरु में वे अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ पर्दे में दिखाई दी। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा कारोबार किया। वहीं इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन वे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। फिल्म रावण में उनका अभिनय बेहतर था लेकिन फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई। वहीं अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की तारीफ की थी और फिल्म ना चल पाने का दोष एडिटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया था। इसके बाद 2010 में उनकी फिल्म गुजारिश आई जिसमें एक बार वे फिर ऋतिक रोशन के साथ दिखाई दी। इस फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो औधे मुंह ही गिर गई लेकिन आलोचकों ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ऐश्वर्या राय पहली बार कैमलिन पेंसिल के विज्ञापन में दिखाई दी थी जब वे 9वीं कक्षा में थी। वे आमिर खान के साथ किए गए पेप्सी के विज्ञापन के बाद से पॉपुलर हो गए। वे इकलौती ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने पेप्सी और कोका कोला दोनों को एंडोर्स किया है। विदेश की टॉप ब्रांड एम्बेसडरों में से एक है और इस मामले में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से भी एक है। वे टाइटन की घड़ियों लॉरियल लैक्मे कॉस्मेटिक्स लक्स नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी कल्याण ज्वेलर्स के विज्ञापन कर चुकी हैं। सो एट द कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसके आप मुझसे फेसबुक के थ्रू जुड़ सकते हैं और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।